गर्मियों में मैगेट वुंड के केसेस और बढ़ जाते हैं। जब एक स्क्रू वर्म फ्लाई घाव में अंडे दे देता है तो घाव और भी बिगड़ जाता है। इन अंडों से मैगेट्स निकलते हैं जो जानवर को जिंदा खा लेते हैं। सबसे पहला पड़ाव है मैगेट्स को मारना और उन्हें घाव से बाहर निकालना। घाव में अगर कोई मरे हुए मैगेट्स रह जाते हैं तो उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम इन्हें पेनकिलर और एंटीबायोटिक देंगे। पेनकिलर का असर 10 मिनट में ही शुरू हो जाएगा। घाव को एनएस से अच्छे से धोएं ताकि इसके बाद हम घाव की अच्छे से जांच भी कर सकें। फिर फोर्सेप्स और हेमोस्टैट्स की मदद से सारे मैगेट्स निकालें। फिर मैगेट्स को मारने के लिए घाव के अंदर आइवरमेक्टिन या मैगसाइड इंजेक्शन लगाएं। अगर घाव चेहरे पे है तो ध्यान रखें कि ये इनके आंखों में ना जाए। जितने हो सके उतने मैगेट्स को बाहर निकालें। जैसे जैसे मैगेट्स मरते हैं वो घाव से बाहर निकलने लगेंगे। एक बार सारे मैगेट्स निकल जाए, घाव को अच्छे से बीटाडाइन से साफ करें। बीटाडाइन एंड क्लीन इट रियली वेल। इसके बाद घाव के अंदर फिर से मैगसाइड या आइवरमेक्टिन डालें और ऊपर से नेगेसुंट पाउडर भी डालें। इसके बाद घाव पर बैंडेज लगाए और इसको ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक रहने दें। Up to 8 hours. फिर बैंडेज को निकालें, बीटाडाइन से घाव को अच्छे से साफ करें और अगर आपको कोई मैगेट्स दिख रहे हैं तो उन्हें भी निकाल दें। अगर आपको और जिंदा मैगेट्स दिख रहे हैं तो मैगसाइड, आइवरमेक्टिन और नेगेसुंट पाउडर लगाते रहें जब तक सारे मर ना जाए। अगर इसमें से और कोई मैगेट्स नहीं निकल रहे तो घाव को किसी भी आम घाव की तरह ट्रीट करें। रेगुलर क्लीनिंग करते रहें और दिन में कम से कम 2 बार फ्लाई ऑइंटमेंट लगाएं। कुछ समय में आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप और क्या सीखना चाहेंगे?